हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खाना ठंडी में। तो आज है संडे, और संडे मतलब फ्री डे, बिल्कुल निकम्मा डे, जिस दिन हमें कुछ नहीं करना होता। तो आज हम लोग करेंगे अनबॉक्सिंग एक खतरनाक चॉकलेट की, ये वाली। ओके, वैसे ये ऐसे है, दिल वाली चॉकलेट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें इसके पैकिंग की, तो ओ ओ ओ 325 रुपये इसकी प्राइस बताई गई है, इस पे ये लिखी हुई है MRP। और वेट जो है इसका 250 ग्राम, यानी पाव चॉकलेट है ये, पूरी की पूरी पाव SB बना हुआ है ना। ठीक है, तो इसको खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या निकलता है। सबसे पहले तो अपन यहाँ से पुल करेंगे। ये शॉर्ट्स आपने देखा होगा, इसमें मैंने ही लिखा है अंदर कुछ अमेजिंग सा मैसेज। इसमें लिखा है, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, यू आर जस्ट ऑसम। ठीक है, तो सबसे पहले ये कार्ड निकाला हमने। ये इतना ही आ रहा है, शायद इतना ही आएगा। चलो ठीक है, इसको वापस रख देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको खोलना। ओके, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से खोलना स्टार्ट करते हैं। गजम भी मतलब पैकिंग करते हैं डेरी मिल्क वाले, मस्त वाले। हाँ, इसके अंदर से निकालते हैं अपन अपनी चॉकलेट। जैसी बाहर पैकिंग थी, यहाँ भी अंदर भी सेम ही दिखा रहे हैं ये लोग। ये बेस्ट बिफोर 1/11/2023 थी, अच्छा हुआ मैंने टाइम पे इसको खरीद ली, और खोल भी रही हूँ, पता चले पड़े पड़े ये अंदर से एक्सपायर हो जाती। अब इसको यहाँ से ओपन करते हैं। इतना कागज और प्लास्टिक डालते हैं ना। दिल थाम के बैठना दोस्तों, क्योंकि चॉकलेट में से दिल निकलने वाला है। ओह नो, दिल तो सही है पर चॉकलेट टूटी हुई निकल गई। एक्चुअली ये कई दिनों से लाई हुई पड़ी रखी थी, तो इधर उधर रखते टाइम या फिर मुझे नहीं पता लाते टाइम में टूट गई थी। मैं जिस भी चॉकलेट का वीडियो बनाती हूँ वो टूटी हुई क्यों निकलती है? देखो, दिल वाली चॉकलेट भी टूटी हुई निकलती। वैसे तो मैंने सोचा था कि इस दिल को काटने के लिए मुझे पता नहीं किस किस औजार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पर चॉकलेट पहले से ही टूटी हुई थी, हम दिल को आराम से निकाल सकते हैं, पर फिर भी मैं इसे चाकू से ही निकालूंगी। गुलाबी दिल के लिए गुलाबी चाकू और गुलाबी टी शर्ट के साथ।
इसको तो मैं कर लेती हूँ साइड में, आपको दिख रहा है क्या? चॉकलेट भी टूट रही है साथ में। ओ फाइनली थोड़ी सी चॉकलेट के साथ पिंक वाला दिल। बात करें अगर रिव्यू की तो बहुत 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 ज्यादा टेस्टी है। अब तक की मैंने जितने भी डेरी मिल्क सिल्क खाई है ना, सबसे टेस्टी लग रही है ये वाली। या तो शायद इसलिए क्योंकि महंगी है तो टेस्टी लग रही है, या फिर ये कई दिनों से फ्रिज में पड़ी है तो शायद बर्फ की वजह से बहुत ज्यादा टेस्टी। और दिखती सी बात है इतनी बड़ी चॉकलेट को खत्म करने के लिए मुझे कई दिन लगेंगे। ठीक है, तो एक लाइक इस दिन वाली चॉकलेट के नाम। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, अब तक नहीं किया है तो जरूर से करें। बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी संडे।